यूपी के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इस हिंसा के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया है। कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा कि ये लोग वोट बैंक के लिए भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के वीडियो सबके सामने हैं। उन्होंने कहा घटना में बीजेपी के नेता, बजरंग दल और बिहिप के लोग पकड़े गए हैं। जिन तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक बीजेपी का नेता भी है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा बुलंदशहर की घटना पहले से प्रायोजित थी। दंगा कराने के लिए पहले से योजना बनाई गई थी। दंगे के लिए लोगों को भड़काया गया। सड़क जाम क्यों किया गया ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें बुलंदशहर की सियाना तहसील में हिंदू संगठन गौकसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक युवक की हत्या कर दी गई। मामले में विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए SIT भी गठित कर दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इंस्पेक्टर के हत्यारों के खिलाफ पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।